हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं राशिफल, जो कि आपके लग्न पर आधारित है। इसको बोलते नाम से ना देखें, आप लग्न से ही देखें। आइए प्रारंभ करते हैं। ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, 23 जून 2018 डेट है, एकादशी नामक तिथि है, शिव नामक योग है, वणिज नामक करण है। चंद्रमा संपूर्ण दिन तुला राशि में संचार करेंगे। पाया रजत का है और नामक्षर बना है रू, रे, रो और ता। अब हम बात करते हैं मूलांक की। मूलांक 5 है, जिसका कि स्वामी बुध है। भाग्यांक 4 है, जिसका कि स्वामी राहु है। ग्रह स्थिति की बात करते हैं। ग्रह स्थिति है इस प्रकार, सूर्य बुध मिथुन में है, शुक्र राहु कर्क में है, चंद्रमा और बृहस्पति तुला में है, शनि धनु में है, मंगल और केतु हैं मकर में। तो यह है ग्रह की स्थिति। अब हम प्रारंभ करते हैं आपका राशिफल, जो कि लग्न पर आधारित है। मेष, मेष के लिए दाम्पत्य सुख के योग बने हैं, दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। इसके अलावा जिनकी विवाह संबंधी बातचीत चल रही है, उस काम को भी गति मिलेगी और सकारात्मक परिणाम आने की पूरी पूरी उम्मीद की जा सकती है। लाभ के अवसर उत्साहित करेंगे। वृषभ, जो लोग वाणी की वजह से इनकम करते हैं, गायक हो सकते हैं, एंकर हो सकते हैं, न्यूज़ रीडर हो सकते हैं, उनके लिए पदोन्नति के और भाग्योदय के जबरदस्त योग बन रहे हैं। धन की भी प्राप्ति होगी कहीं से और मन बहुत ही प्रसन्न और आह्लादित महसूस करेगा। मिथुन, मिथुन के लिए संतान पक्ष की किसी चिंता का निवारण होगा। बच्चों के लिए बुक्स वगैरह खरीदेंगे, बैग है या अदर चीज़ों की शॉपिंग होगी और इसी में टाइम आपका लगेगा। इसके अलावा हाई स्टडी में जो बच्चे जा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद है। कर्क, कर्क के लिए थोड़ा थकान का समय है, आलस्य आएगा, नेत्र पीड़ा हो सकती है और आराम करने का मन करेगा कोई और काम नहीं करें और आज खाना भी बाहर से आए, सिर्फ आराम ही करते रहें, ऐसा करने का मन आपका करेगा। अब हम बात करते हैं सिंह की। शुभ रहेगा, मेहनत का पूरा फल मिलेगा और अब तक जिन वजह से आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, रुका हुआ पैसा था कहीं पे, उस संबंधी आपको एक शुभ सूचना मिलेगी और पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। कन्या, कन्या के लिए धन लाभ के अच्छे योग बने हैं और आपको काफ़ी आज दिन में काफ़ी फायदा होगा। तुला, आपकी रीति नीति की सर्वत्र प्रशंसा होगी, जो भी काम करेंगे हर तरफ क्लैपिंग होगी आपके लिए आज, तो बहुत अच्छा दिन बन पड़ा है। वृश्चिक, वृश्चिक के लिए व्यर्थ भ्रमण करने का योग बना है, कुछ व्यर्थ ही घूमेंगे, भागदौड़ भी हो सकती है, थकान भी हो सकती है और धन का अव्यय भी हो सकता है, तो थोड़ा आज दिन को जो महत्वपूर्ण काम है उसको टालें आप एक दो दिन के लिए और नॉर्मल जो रूटीन के काम है बस वही आज पूरे करें। अब हम बात करते हैं धनु की। धनु को सर्वत्र लाभ ही लाभ का योग बना है, रुका हुआ पैसा आएगा और इसके अलावा कुछ ना कुछ अदर सोर्सेज से भी इनकम होगी, अनएक्सपेक्टेड पैसा आएगा कहीं से, जहाँ सोचा नहीं होगा वहाँ से भी आज पैसा आएगा, तो अच्छा टाइम है आज। अब हम बात करते हैं मकर की। मकर के लिए भाग्य वृद्धि के योग बने हैं, संतान की किसी समस्या का निवारण होगा। इसके अलावा एक चीज़ थोड़ा आपको परेशान कर सकती है, भाई बहनों से झगड़ा हो सकता है, तो थोड़ा सा संबंधों को बिगड़ने ना देवें, थोड़ा सोच समझ के समझदारी से कोई भी निर्णय लेवें। अब हम बात करते हैं कुंभ की। कुंभ के लिए दिन ठीक है, भाग्य के सहारे काम बनेंगे और मेहनत भी लेकिन थोड़ी करनी पड़ेगी, तो आज जितने भी काम हैं कर सकते हैं, पर बहुत बेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी कोई समस्या नहीं होगी, काम हो जाएंगे आपके। मीन के लिए थोड़ा दिन ठीक नहीं है, थोड़ा सा टालें महत्वपूर्ण काम को, कष्ट और विवाद हो सकता है, किसी चिंता का और आगे बढ़ने के योग बनते हैं। इसके अलावा धन हानि भी हो सकती है और बहुत दौड़ धूप करनी पड़ेगी आज काम को निपटाने में, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। तो ये तो था आपका राशिफल। ये राशिफल आपको कैसा लगा कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिख के बताइएगा। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।